मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीषण वारदात की घटना देखने को मिली है। यहां पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंदापुर एक्सप्रेसवे पर स्थित एक होटल में एक शख्स की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद कुछ लोग वहां तेजी से पहुंचते हैं और एक एक करके धारदार हथियारों से बुरी तरह से उस शख्स पर हमला किया जाता है। बता दें कि इस घटना में युवक की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। मामले को संज्ञान में लिया गया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल इंदापुर एक्सप्रेसवे पर स्थित होटल जगदम्बा रेस्टोरेंट में चार लोग बैठे होते हैं और इसी दौरान होटल लगभग पूरा खाली रहता है और वीडियो में देखने पर यह पता चलता है कि दो लोग होटल में आते हैं और उनके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली रहती है और तभी थैली में ये लोग हाथ डालकर जो है एक शख्स बंदूक निकाल लेता है और एक आरोपी फायरिंग कर देता है। बता दें कि मृतक का नाम अविनाश बालू धनवे है जिसकी आयु यानी कि उम्र 34 साल है। आरोपी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से पीछे की तरफ से गोली चलाई। इसके बाद एक के बाद एक कई बार गोली चलाई और वहां पर कुछ लोग और भी पहुंचते हैं जिनके हाथों में धारदार हथियार होता है और ये लोग उस अविनाश पर गर्दन पर और शरीर के कई जगहों पर हमला कर देते हैं। इस दौरान लहूलुहान अविनाश वहीं गिर जाता है और उसकी बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। घटना शनिवार रात 8 बजे की है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है।